हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं, इसलिए मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे ऊपर, ताकि मैं भी सब लोगों की तरह आगे जा सकूं। फ्रेंड्स, और आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही मैं इतना आगे आ पाई हूँ। तो मेरा ऐसे ही मन हुआ तो मैंने कहा चलिए आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं शूट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। आप लोग देखती हूँ कि कितना प्यार और सपोर्ट देते हैं मेरे इस वीडियो पे। फ्रेंड्स, तो मैं गांव नहीं जा पाई हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं बैठे बैठे यहाँ अपना यही सब चीज़ें अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो कर नहीं पाती, तो अब हूँ घर पर तो कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं श्री राम नगरी अयोध्या से हूँ, तो मेरा वीडियो या ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद है कि मैं भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि भक्ति का रास्ता तभी अपनाया जाए जब बुजुर्गियत आ जाए इंसान के अंदर। आप लोग देख रहे होंगे कथा या किसी चीज़ में कहते हैं कि जब तक शक्ति है और शरीर में जान है तब तक भक्ति कर लो, उसके बाद कहाँ भक्ति कर सकते हैं। जब हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं बचेगी फ्रेंड्स, तो हम भक्ति करेंगे कहाँ से, आप ही बताइए ना। तो भक्ति के लिए भी शरीर में शक्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अभी शरीर में शक्ति है तो भक्ति भी कर रहे हैं उसी तरीके से। बाकी आगे भगवान मालिक है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो ऊपर वाला मालिक है। जिस तरीके से ऊपर वाला हमें ले जाएगा उस तरीके से हम उसी रास्ते पे जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए जो रास्ता मेरे को पसंद था, जो मुझे लगा कि ये मैं कर सकूंगी अच्छे से और इस रास्ते पे मैं अच्छे से जा सकूंगी फ्रेंड्स, वही रास्ता मैंने अपनाया। तो मैं धर्म में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं अपने चैनल में धर्म का ही वीडियो डाला। भगवान पूजा पाठ के मतलब जो मैं पसंद करती हूँ उसी तरीके का मैंने वीडियो डालना शुरू किया। पूजा पाठ और उस तरीके का उपाय वगैरह जो भी छोटे मोटे पंडितों वगैरह के चक्कर में फ्रेंड्स कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो आप भगवान पर विश्वास रख के भगवान कि शरण में रहिए और भगवान का ही उपाय करते रहिए फ्रेंड्स। एक ना एक दिन वो जरूर आपकी मदद करेगा जरूर। और हर हाल में इंसान थकने के बाद भगवान के दरवाजे पे ही मत्था टेकने जाता है कि भगवान अब आप ही बचे हो, आप ही मेरी मदद करो, तो पहले से ही क्यों ना, परेशानी में ही क्यों ना, सुखी रहें तो सुखी में भगवान की मदद क्यों ना मांगे। तो कहते हैं ना, वो कन्हैया मित्तल जी भी कहते हैं कि आप कितना बड़ा से बड़ा अमीर हो जाओ, कितने बड़े बन जाओ, फिर भी भगवान से हर रोज सुबह उठकर यही बोलो कि भगवान मैं आपके दरबार का भिखारी कल भी था, भिखारी आज भी, हमेशा आपके दरबार का भिखारी रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा भी वही मानना है कि भगवान की शरण में इंसान को हमेशा रहना चाहिए, चाहे उसके पास सुख हो, और दुख में तो इंसान जाता ही जाता है। तो हर परिस्थितियों में इंसान को भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई रास्ता कोई चारा नहीं बचता तो मेरा हम सभी का जो साथ देने वाला वो ओनली ऊपर वाला है। बाकी कोई साथ नहीं देता, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी रिश्ता हो, कितना से कितना गहरा रिश्ता हो, आप सुखी हैं तभी आपका साथ रिश्तेदार भी देंगे, भाई हो, बहन हो, ससुराल हो, मायका हो, कहीं का भी रिश्ता हो, अगर आप सुखी हैं फ्रेंड्स तभी आपकी मदद करने सभी लोग आगे आते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में किसी परिस्थिति में गलत चीज में है तो उस टाइम कोई भी आपकी मदद नहीं करता और केवल केवल भगवान ही मदद करते हैं। और रास्ता भी वही दिखाई देता है कि हम वहीं जाकर रोते हैं कि प्लीज भगवान अब मेरी मदद करो, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में विश्वास रखती हूँ और इन्हीं चीज़ों का मैं, मेरे ऊपर कोई परेशानी आए कोई संकट आए तो मैं इन्हीं चीज़ों का रास्ता अपनाती हूँ, किसी से कहने नहीं जाती हूँ, उन्हीं के दरबार में जाके रोती हूँ कि भगवान अब आप ही मुझे इस संकट से निकालो और मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो इसलिए मेरा मन हुआ तो मैंने ये वीडियो शूट किया आप सभी लोगों से। और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बट एक ना एक दिन सबके जीवन में ऐसा दिन आता है कि ना विश्वास करने वाला भी वहीं जाके मत्था टेकता और रोता है कि भगवान आप मेरी ही मदद करो। तो ऐसे लोग भी एक ना एक दिन भगवान के दरवाजे पे जाते ही जाते हैं, और जो जाते रहते हैं उनके जीवन में संकट आते भी हैं तो बड़े आसानी से टल जाता है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आती। थोड़े दिन संकट आता तो है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, तो संकट तो आना ही आना है फ्रेंड्स। अगर सुख आना है तो दुख भी आना है, बट ये है कि जो पहले से ही भगवान के रास्ते पे चलता है, भगवान की बातें जो है उस पे विश्वास करता है, हर चीज़ धर्म के रास्ते पे चलता है, तो उसके जीवन में संकट आता तो है बट बहुत आसानी से कट जाता, पता भी नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये कहना है
कि किसी के आगे रोने से, किसी के आगे कहने से कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी संकट में हैं, किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो आपको बहुत भारी लग रहा है इस टाइम पे कि मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं कैसे इस परिस्थिति से निकलूं, तो जो छोटे मोटे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा वगैरह बताते हैं वो कोई ऐसा उपाय नहीं बताते फ्रेंड्स कि यहाँ से वहाँ से कहीं से उठा लिया और बता दिया। वो शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है वही चीज़ें बताते हैं। तो उन सब चीज़ों का उपाय आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में कीजिए, इन सब चीज़ों से हमारा कष्ट कट जाता है और ये छोटे मोटे पंडित वगैरह के लफड़ा में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि मेरे सामने एक पंडित जी पड़े थे, वो जो भी कुछ बता रहे थे मेरे सामने बिल्कुल भी एक भी बात उनकी सही नहीं थी, बट मैं उनको बोलती कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं फ्रेंड्स। तो उन्हें लगा कि बिल्कुल सही जा रहे हैं वो। तो बस भगवान की शरण में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और भगवान को हमेशा मानते रहिए। भगवान के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हम किसी भी संकट परिस्थिति में आएंगे तो हमें उनका सहारा लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं जो मेरे मन में है, चल रही है। और आप सभी को फ्रेंड्स श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और वीडियो मेरा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए आए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगी फ्रेंड्स। तो मुझे भी सबकी तरह आगे पहुंचाइए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय जय श्री राम।